जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रिंस। जी हां दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा में पकड़े गए मुन्ना भाई। जी हां दोस्तों, यहां पर जब इनका भांडा फोड़ा गया तो दोस्तों ये जो मुन्ना भाई थे ये संख्याओं में दोस्तों बहुत ज़्यादा निकले। जी हां दोस्तों, एक का रिश्ता दूसरे से पाया गया। जी हां फ्रेंड्स, एसएससी जीडी की परीक्षा में यहां पर जो हैं मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, और नकल भी दोस्तों ब्लूटूथ लगाकर, बालों में विग पहनकर दोस्तों की जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में दोस्तों देने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वो मुन्ना भाई जो दोस्तों नकल करते पाया गया है, और इसका जो पूरा गिरोह है वो दोस्तों सामने आया है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप भी मेरी तरह इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आप दोस्तों मेरे द्वारा जो बनाया गया पीडीएफ है उसे परचेस कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने इस एग्जाम को यहां पर पास किया हुआ, एसएससी जीडी के एग्जाम को यहां पर आप देख सकते हैं। ये दोस्तों फिजिकल टाइम का था और ये मेडिकल टाइम का है, ठीक है। ये फिजिकल था और ये मेडिकल टाइम का है। ये दोस्तों स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं 2021 का, जब मैंने एग्जाम पास किया था। तो फ्रेंड्स, कैसे आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, जो मैंने पीडीएफ बनाया है उस पीडीएफ में से क्वेश्चन को रीड करना है। और दोस्तों एग्जाम में आपको जो है, जो पीडीएफ मैं आपको बना के दूंगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि खुद दोस्तों एग्जाम की तैयारी मैंने खुद की है। तो आप भी दोस्तों इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छा पीडीएफ है। और देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो तैयारी है, जो मेरी मेहनत है, वो अगर आपको पसंद आती है तो भाई जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, खुद मैंने भी एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस पीडीएफ को पढ़कर एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है 6396453592। पढ़ाई करके ही एग्जाम पास होगा। अगर आप मुन्ना भाई बन के भैया एग्जाम पास करोगे तो ऐसे ही धर लिए जाओगे। तो इसलिए दोस्तों मेहनत से एग्जाम पास किया जाता है। अगर आप भी वो मेहनत करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप भी दोस्तों मुन्ना भाई की तरह सस्ते में ही लपेटना चाहते हैं तो भाई आप वहां से कर सकते हैं, लेकिन मेहनत से करना चाहते हैं तो यहां से आप दोस्तों 500 रुपए का पीडीएफ मात्र 100 रुपए में पढ़कर आराम से दोस्तों मेहनत के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है दोस्तों इस नंबर पर। अभी मैसेज करेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको वीडियो चला के यहां पर दिखाने वाला हूं, जो दोस्तों मुन्ना भाई पकड़ा गया उसका वीडियो आया है, कैसे दोस्तों नकल कर रहा था। यहां पर आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको दोस्तों रोटेट करके दिखा देता हूं एक बार आप सभी को। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये यहां पर जो है एक विग है, यानी बालों में विग पहनी हुई थी किसी को पता ना चले। और इसके भीतर दोस्तों आप देखेंगे, ये यहां पर एक आपका बीएसएनएल का जो सिम है वो इन्होंने लगाया हुआ था। लेकिन दोस्तों इनको क्या पता था भाई यहां पर ये धर लिए जाएंगे, क्योंकि भाई वहां पर इनका जो नेटवर्क था नहीं चल पाया, क्योंकि अंदर दोस्तों सारी जितने भी सिस्टम होता है वो दोस्तों नहीं चल पाता, ना ही नेटवर्क अंदर आते हैं, बस ओनली उनका सिस्टम ही चलता है जो वो दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, कोई अदरवाइज कोई कनेक्शन नहीं चलता है। जब इसका नेटवर्क नहीं चला तो इसने यहाँ पर थोड़ा सा मतलब उलझाने की कोशिश की दोस्तों, और थोड़ा वो चेक करने लगा विक को, थोड़ा उतार कर तो शक हुआ तो इसको पकड़ लिया गया। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देखो वीडियो चला कर आप खुद देखिए। तो दोस्तों आपने देखा भाई, ये बंदा जो यहाँ पर सामने खड़ा हुआ है, ये इसकी भोली शक्ल में मत जाइएगा, ये पूरा मुन्ना भाई है। जी हाँ दोस्तों, इसने बालों में क्या तरीका लगाया दोस्तों, आप खुद देखिएगा, हैरान है भाई सभी लोग इस तरीके को देखकर, कि बालों के अंदर विग पहनकर, उसके अंदर दोस्तों सिम छुपाकर, ये मुन्ना भाई दोस्तों यहाँ पर जो है एसएससी जीडी में जाना चाहता था, लेकिन धर लिया गया। और दोस्तों यहाँ पर इसका जो पोल है वो सभी के सामने खुल गई। तो अगर आप भी दोस्तों यहां पर इस तरीके से करने की सोच रहे हैं तो पहले सचेत हो जाइए मेरे भाई, ऐसा करने से कभी जिंदगी में नौकरी नहीं मिल सकती है, नौकरी आपकी मेहनत से मिलेगी। और दोस्तों मैं सभी से यही बोलूंगा कि भाई ऐसा करने से दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और जिंदगी भर दोस्तों आपको जो है आजीवन ये परीक्षा से बैन भी कर सकती है, ठीक है, एसएससी बैन भी कर सकता है परीक्षा से। और एक बार दोस्तों अगर आप पकड़े जाते हैं तो कभी कोई परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका नाम दोस्तों दूसरी वाली जो जीडी होती है ना उसमें चढ़ जाएगा, ठीक है, फिर आप गैंगस्टर बन जाओगे। इसलिए भाई इस चीज़ से बचकर अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिएगा। एक बार दोस्तों अगर आप मेहनत पर भरोसा करते हैं तो मेहनत जरूर रंग दिखाएगी, मैं दावा करता हूँ कि भाई आप वास्तव में सिलेक्शन लोगे। लेकिन अगर गलत तरीका यूज करते हो तो कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर। जय हिंद।